नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार दत्त। जिस तरह से मानव सेवा संघ झाझा लगातार हर शनिवार को गरीबों की खिचड़ी खिलाने का काम कर रहा है, ऐसे में झाझा के लोकप्रिय थाना अध्यक्ष राजेश चरण के द्वारा इस आज की व्यवस्था की गई थी। तमाम इस व्यवस्था को देखते हुए संघ के संयोजक घनश्याम गुप्ता ने SDPO जो इस कार्यक्रम में आए हुए थे रविशंकर प्रसाद से भी कुछ मांगे रख दी। सर, कहीं ना कहीं आपके स्वजन से ही भी एक बार गरीबों को खाना मिलना चाहिए। दर्शकों, मैं बताते चलूं, झाझा जो हमारी धरती है ना, समाज सेवियों को पैदा करने में एक नंबर पे। हालांकि जिला में कई समाज सेवी होंगे, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन झाझा में हर एक बच्चा, हर एक नेता, एक तरह से समाज सेवी। जिस तरह से बीड़ी और बीड़ी पत्ता संघ के अध्यक्ष भी लॉकडाउन में प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी साहब के तरफ से कई लोगों को भोजन, अनाज, राशन सब कुछ दिया गया था। उसके साथ साथ खुदरा व्यापार संघ, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ना जाने कितने संगठन है जो गरीबों को हर हाल में जिंदा रखने का प्रयास करते हैं। आज की जो खिचड़ी विशेष रूप से थाना के सदन से बनी थी, ना जाने कितने प्रकार की सब्जियां मिली थी, लगभग बहुत सारे घी वगैरह जो भी सब मिला हुआ था। एक तरह से थाना तक का दरिया दिन कहा जा सकता है। तमाम समाज सेवियों ने, प्रफुल्ल साहब ने, मुन्ना सिन्हा ने, अन्य लोगों ने भी, डॉक्टर एम एस परवाज ने भी बुरी बुरी प्रशंसा थाना तक की। देखिए, पुलिस अधिकारी होना एक अलग बात है, और अगर गरीबों का दर्द आप महसूस करते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको भगवान इंसान बनाकर गलत नहीं किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ SDPO रविशंकर प्रसाद जुड़े। सर, लगातार जिस तरह मानव सेवा संघ गरीबों की सेवा में हर शनिवार को खिचड़ी खिलाई जा रही है सर यहाँ। हाँ, ये झाझा में अनेकों अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं। इसमें मानव कल्याण संस्था द्वारा भी ये हर शनिवार को खिचड़ी का प्रोग्राम रखा जाता है। ये बहुत ही उत्तम विचार है, और गरीबों को एक वक्त का खाना ही दे देना बहुत ही पुण्य का काम है, और ये यहाँ किया जा रहा है। इससे हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है। हम लोग पुलिस वाले हैं, और आज हम लोग के तरफ से, हमारे थानाध्यक्ष महोदय की तरफ से आज विशेष रूप से इसका किया गया, और हम इस संस्था का और इस पुण्य काम में सहभागी बन रहे हैं। इस ये हमारी सौभाग्य की बात है। खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष जुड़े, जिस तरह थाना अध्यक्ष ने आज व्यवस्था की है तमाम गरीबों के लिए, क्या कहेंगे? आज जो ये प्लेटफॉर्म है मानव सेवा संघ के द्वारा जो झाझा में भूखे गरीबों को जो भोजन दिया जा रहा है, ये ऐतिहासिक हो गया है। झाझा में ये रिकॉर्ड बन गया है, और भगवान जाने ये रिकॉर्ड कब टूटेगा। और आज जो हमारे झाझा थाना प्रभारी महोदय SHO साहब अपना दिल दरिया दिन दिखाते हुए गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किए हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। समूचा झाझावासी की तरफ से धन्यवाद। देखिए, पुलिस पदाधिकारी की अपनी ड्यूटी होती है, लेकिन अगर इसके बाद अगर कुछ अलग से कुछ करते हैं समाज के लिए, तो ये अपना उसका अंतरात्मा होता है, जो इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे माननीय DSP साहब भी आश्वासन और भरोसा दिए कि अगले बार उनके तरफ से भी व्यवस्था कायम रहेगा। इस तरह से झाझा में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, गरीबों को खिलाना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है मानव सेवा संघ में। वो भी अपना दरिया दिली दिखा करके झाझा में जो गरीब है, जिसको भोजन उपलब्ध नहीं है, उनको भोजन कराने का काम करें, और संभव हुआ तो हम लोग भी इसमें जोर शोर से लग करके इसको पूर्ण सफल करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से पुलिस का हमेशा से लोग क्रूर चेहरा दिखता है, अब दिखाने का लोग पर्याप्त, लेकिन आज झाझा थाना अध्यक्ष की तरफ से तमाम गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। आज तो की ही गई, लेकिन इसके पहले भी कुछ दिन पूर्व इन्होंने ही व्यवस्था करी थी। मतलब कि उस व्यवस्था से खुश होकर और उस व्यवस्था को देखकर उनका पुनः एक बार मन हुआ कि मैं गरीबों को खिलाऊं। ये स्पष्ट करता है कि उनके हृदय में गरीबों के प्रति कितनी हमदर्दी है। वो चाहते हैं कि हम पुलिस का कार्रवाई, पुलिस की ड्यूटी को संभालते हुए गरीबों का भी ख्याल करें, और ये मानव सेवा संस्थान की ओर से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी ये सहभागी होते हैं। आज DSP साहब ने भी इस बात के लिए सभी के बीच में अपना एश्योरेंस दिया है कि हम भी करेंगे, तो इससे आम लोगों में भी बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि भाई कल्याणकारी योजनाएं करनी चाहिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि भविष्य के अंदर में भी इसी प्रकार की योजना, इसी प्रकार का खान पीन बराबर के लिए निरंतर चलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद। चाहूँगा कि जो छवि पुलिस की थी, मैं सबसे पहले उस पर एक रोशनी डालना चाहूँगा।
कि हम सौभाग्य है हमारी कि हमारे जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर मुझे गर्व है कि आए दिन से हमने देखा 11 साल से हमारी सेवा मैंने ये पर है मैं देख रहा था, मगर सर लोगों के आने के बाद एक अजीब उम्मीद की किरण जागी है। तो बधाई के पात्र वो हैं कि हम लोग तो करते ही रहते हैं, मगर आपके आने से और आपकी योगदान से सही मानों में काफ़ी जनता प्रफुल्लित है और एक पुलिस पर उम्मीद की किरण जागी है और सही मानों में आप बधाई के पात्र हैं। जो पहले बात जिस तरह थाना अध्यक्ष राजेश के द्वारा पूरी व्यवस्था आज की गई, जैसा कि मानव सेवा संघ के संयोजक ने हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी आग्रह किया है, क्या लग रहा है? एक्चुअली क्या है कि वो दही की ऊपर की जो मोटी छाली थी वो सही बता दिया कि किसी वैसे ही दिलदार का देना है, ठीक है। अब रही बात कि हमारे बड़े पदाधिकारी हमारे DSP साहब, तो हमको तो सर का उम्र का पता ही नहीं लगता है, मगर जियो हजारों साल यही कह सकते हैं। तो अगले बार इन सर की तरफ से है पूरी पुलिस विभाग और पूरी प्रशासन की दीर्घायु की कामना करते हैं उन गरीबों की तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मानव सेवा संस्थान के संस्थापक जो है श्री घनश्याम गुप्ता जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो इस साझा क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र में गरीबों के लिए एक सोच के तहत हर शनिवार को भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको कोटि कोटि पूरे झाझा की ओर से बहुत धन्यवाद। और खासकर मैं थाना प्रभारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पुलिस के विभाग को संभालते हुए और समाज के प्रति उनका समर्पण और गरीबों के प्रति जो चिंता है उनके लिए भी झाझा की ओर से उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। बोल रहे थे कि घनश्याम जी किस शनिचर को मेरा नंबर आएगा, तो इस शनिवार को जब खाली था और संयोग से सर हमको फोन करके बोले, तो बोले सर इस शनिवार को खाली है, तो बोले ठीक है मेरे तरफ से खिचड़ी और दही की व्यवस्था गरीबों के बीच करवाया जाए। तो आज मैं पूरे मानव सेवा संघ की ओर से और पूरे झाझा के जनता की ओर से मैं झाझा थाना प्रभारी महोदय राजेश शरण जी का झाझा के पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इनके जैसा आदमी गरीबों के लिए एक दिन का भोजन, इनसे लोगों में एक मैसेज जाएगा और भी प्रशासनिक पदाधिकारी में मैसेज जाएगा तो कम से कम झाझा में बहुत दिन की व्यवस्था हो जाएगी। अब आग्रह है इस मंच के माध्यम से एक दो सप्ताह के बाद हमारे DSP साहब के तरफ से भी साथी साथ थाना अध्यक्ष के सदन से एकदम महाप्रसाद बढ़ रहा था। मैडम क्या कह रहा है? जी आज बहुत खुशी की अपनी बात है और थाना अध्यक्ष तो अक्सर यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम में आते हैं और ये मानव सेवा का घनश्याम भाई जो है वो लोग का पूरा संस्था का हम लोग एक ग्रुप बने हैं जिसमें गरीब दल या गरीब हो अमीर हो जो भी हो ना कोई दल है ना कोई पार्टी है, हम लोग को यही एक मान है कि हम लोग किसी गरीब को सेवा कर सके और भीखों के पेट भर सके और अगर हम लोगों के बीच में जो भी हो तो इससे बढ़ के भी काम करने के लिए हम लोग तैयार है। खाना अध्यक्ष भी आए, आज भी तरह तरह का खाना बना और इससे पहले भी ऐसा बहुत सारा काम हुआ जो कि हम लोगों के बीच में वो करते हैं और अच्छा बात है, इस चीज़ के लिए कोई भी तारीफ कर सकते हैं, ये मैं अनोखा नहीं हूँ, मैं अजूबा बात नहीं बोल रही, वो कोई भी देख सकते हैं कर सकते हैं और अगर हम लोगों के लिए और ऐसा मौका आएगा जो हम लोग किसी को काम आ सके तो तन मन धन से करने के लिए तैयार है सारे लोग हमारे। थैंक यू। और हम वीरेंद्र जी जिनका एक ही काम होता है कि कहीं भी कोई चीज़ बात हो तो उनको पेश किया जाए, उनके सामने रखा जाए, हकीकत को सामने रखा जाए, ये हमारे बीच अक्सर आते हैं और हम लोगों के बीच का दुखारी सुनते हैं और पेश भी करते हैं, इसी तरह दो बातों से समाप्त करते हैं। जय भारत। सुनिए ना सर, आइए आइए सर, बबलू भैया, बबलू भैया, बबलू भैया, सर,
खिचड़ी दही हो गया ले 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 ले